महासचिव को आ सकते हैं। आज हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन मकसद कि अभी तक जो भी काम हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी और जो हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है भारत सरकार के साथ और अब बंगाल गवर्नमेंट के साथ में, उसके लिए हम लोग आज आपके सामने रखने जा रहे हैं क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सबसे पहले मैं हमारा जितने भी संगठन का लोग बैठे हैं, नरबु दोरजे भुटिया ये हमारा महासंघ का एडवाइजर हूँ और राष्ट्रीय प्रेसिडेंट श्री कंचन गुरुंग, इसी तरह से फॉर्मर DSP हमारा BS राणा वहाँ वाइस प्रेसिडेंट, आई एम स्वयं मैं जनरल सेक्रेटरी महासचिव का और हमारा धीमाल कम्युनिटी की तरफ से एग्जीक्यूटिव बॉडी से हैं। आज विशेष करके कई चीजें ऐसे हैं जनजाति मांग के लिए, आप लोगों को शायद सब लोगों को पता ही है गोरखाओं का जो 11 डिमांड है, गोरखा जनजाति का बहुत बड़ा मांग इतना साल से काफी साल से पुराना पेंडिंग होते जा रहा है और कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस में कहीं ना कहीं हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है जो MP है और उनके तरफ से हमारा तालमेल ठीक ना होने की वजह से कई काम नहीं हो पाए हैं। तो इसमें अभी हम लोगों को कई मतलब पॉलिटिकल लोकल पॉलिटिकल पार्टी इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए बहुत सारे कुछ बता रहा है बिना डॉक्यूमेंट लेके। तो इस सिलसिले में हम लोग आपको सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारा BS राणा जी आप इसको जो भी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस हुए वो आपको शाम को ये सुना देंगे। आप हाथ मान लिए रोबोट यहाँ पर जो हुआ है अभी इलेक्शन आ रहा है इसीलिए बहुत सा लीडर्स पार्टी ऐसा बोल रहा है कि 11 जनजाति 11 जात को नहीं मिलेगा, 4 जात को सिर्फ मिलेगा ऐसा बोल रहा है। ऐसा बोलने दे आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन अमंग द पब्लिक। सो इसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 27 जवाहरलाल नेहरू रोड कैलकाटा 60 वहाँ से एक ये रिपोर्ट दे रहा है। ये रिपोर्ट है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसी का एक वेस्ट बंगाल सेक्शन वो रिपोर्ट दे रहा है। वो दे रहा है रिपोर्ट टू सी असगर अली अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11th फ्लोर गेट नंबर 5 जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग पटेल चौक न्यू दिल्ली 11001। ये लेटर था 6 November 2020 बहुत आगे का रिपोर्ट है। ए सब्जेक्ट रिगार्डिंग ग्रांटिंग शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू 11 कम्युनिटीज नेमली हुजेर गुरुंग मगर नेवार जोगी खस राय सुनवर थामी एंड यक्खा दीवन एंड हिमाल लिविंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल सर विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर 12026312013 CNLM dated 07th date तो नहीं दिया है, तो 7th July 2020 on the above mentioned subject. The survey has gone through the available records based on previous field study by Anthropological Survey of India. Information on 7 communities within bracket Magar, Newa, Rai, Bhujal, Dhimak, Guru, जोगी यहाँ पर 7 कास्ट दिया है ऑफ वेस्ट बंगाल वॉल्यूम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया का वेस्ट बंगाल वॉल्यूम में ये 7 कास्ट है ये दिया है एंड 2 कम्युनिटीज सुनर एंड थामी ऑफ सिक्किम वॉल्यूम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया का सिक्किम चैप्टर में ये दो जात है आर एनक्लोज हियर वे। As regards the existence of the 2 communities, Khas Yakhadewan, 2 communities, Khas and Yakhadewan in West Bengal state, no published information could be found. Unka birun ko nahi paaye. As they are migrated community, further field study is required to provide information on these 2 communities. To ye isme to hum log ka jo
11 कम्युनिटीज है, उसमें तो थोड़ा चेंज हो गया है, सात बोल रहा है, दो सिक्किम का तरफ दिखाता है, फिर दो तो माइग्रेटेड पीपल बोल रहा है, इसीलिए इसका विषय इसका क्लेरिफिकेशन दिए। हमारा टीम दिल्ली में गया, दिल्ली में कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ में कॉन्टेक्ट किया, तो वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स CNLN डिवीजन वहाँ से 2/6/2021 में सिटी भेजा हमारा नेशनल प्रेसिडेंट श्री कंचन गुरुंग नेशनल प्रेसिडेंट गोरखा भारतीय 11 जनजाति महासंघ दार्जिलिंग सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन डेटेड 25/2/2021 ऑफ श्री कंचन गुरुंग रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ 11 गोरखा कम्युनिटी इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब ऑफ वेस्ट बंगाल असम I am directed to refer to your two similar representation that is dated 25/2008 and forwarded to this ministry by the OST President Secretariat New Delhi and Prime Minister Office respectively regarding inclusion of 11 Gorkha communities in the list of Scheduled Tribe of West Bengal. Ministry of Tribal Affairs is the nodal ministry for notification any community as scheduled tribe under Article 342 of the Constitution. The Government of India on 15/6/1999 and further amended on 25/6/2002 has approved the modalities for deciding claims for inclusion in, exclusion from and other modifications in the list of scheduled tribes. According to these modalities, only those proposals which have been recommended and justified by state government, public duty administration concerned can be accepted. Only recommended by the government concerned, state government or UT, can be processed further. Therefore, it has to be concurred with the Registrar General of India and National Commission for Scheduled Tribe for consideration and amendment of legislation. The matter is under examination as per approved modality. इस पे भी हम लोग का भ्रम दूर नहीं हुआ, इसलिए फिर फर्दर फर्दर प्रोसेस किया। 21 मार्च 2023 में चिट्ठी आया, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने वहाँ से एक चिट्ठी पठाया भेजा है टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग 3J4 विधान नगर कैलकाटा सब्जेक्ट फॉरवर्डिंग रिप्रेजेंटेशन वही था पुराने पड़ेगा इसमें भी वही है जो पहला दिया था इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय फॉर डिसाइडिंग द क्लेम एक्सक्लूजन फ्रॉम अदर मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर ओनली दोज प्रपोजल्स व्हिच हैव बीन रिकमेंडेड जस्टिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी प्रोसेस्ड इन्होंने अभी जो भी पढ़ के सुनाया उसका विशेष करके आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि भाई एक लेटर हमारे पास आया है ये गवर्नमेंट के एंथ्रोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से है तो इसमें क्या बोला गया है कि भाई हमारा डिमांड 2012 से हम लोगों ने जो अप्रूव किया था जीटीए से पास करके दार्जिलिंग गोरखालैंड टेरिटोरी अथॉरिटी पर उसके बाद बंगाल में जाने के बाद में 2014 के बाद वो विधानसभा में पास करके दिल्ली भेजे हैं दिल्ली में जाने के बाद में जो ट्राइबल जो मेन डिपार्टमेंट गया तो डिपार्टमेंट से उन्होंने रेक्टिफाई करके जो भी एक रिपोर्ट निकाला सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें 7 कम्युनिटी को उन्होंने क्लियर किया कि भाई वो ये दे आर मतलब टाइप करके उन्होंने एक वो फॉर्मेट बना के हमें ये लेटर दिया जिसमें 4 कम्युनिटी हैं जो 4 कम्युनिटी को दिखाया गया 2 कम्युनिटी सिक्किम में पाएगा वो यहाँ दार्जिलिंग और बंगाल में नहीं मिला गया और 2 कम्युनिटी दिखा रहा है जिसमें से खास और यक्का दीवान जो माइग्रेंट बता रहा है तो अभी हमारा मेन मकसद ये है कि हम गोरखा जनजाति महासंघ का जो हमें रिप्रेजेंटेटिव जो भी हम काम कर रहे हैं इतने साल से हम 11 लोग थे तो 11 लोग हमें चाहिए
चार क्यों छूट रहा है? तो हमारा मेन मकसद यह है कि आने वाला जो साथ, हम अपने साथ में जो भी लोग रह रहे हैं, अगर हम साथ को मिलेगा और चार को नहीं मिलेगा तो ये नाइंसाफी वाली बात है। तो इसी वजह से हमारा ये आज का प्रेस का मेन मकसद ये है कि चार कम्युनिटी भी हमें क्या होना चाहिए और 11 कम्युनिटी का हमारा बिल आना चाहिए करके हमने, अभी लगता है अभी हमारे कई कई चीजें हैं, मतलब इसमें इसके बाद में हमारा जो 2020 के बाद 2021-22 में भी उन्होंने जो लेटर भेजे हैं, अभी रिसेंटली 2023 में भी लेटर भेजे हैं उन्होंने, सेम वही मैटर उन्होंने दोबारा वो करके भेजा है कि भाई यही पाया गया और यही कंक्लूजन ये निकलेगा। चार का नाम है, जो दो कम्युनिटी है सुनार और जो थामी है वो सिक्किम में पाया गया, वो बंगाल में नहीं है। और दो कम्युनिटी है जो खास खास करके जमीन कम्युनिटी है, जो ब्राह्मण लोग होता है उसमें, और यक्का यक्का दीवान करके एक राय का जो सब कास्ट होता है, उन दोनों को बिल्कुल माइग्रेंट बताया गया। तो इसका रिपोर्ट के आधार पर अब हमें ये है कि हमारा हम जनजाति महासंघ का 11 जात को हम लीड कर रहे हैं, तो हम किसी कम्युनिटी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये चार छोड़ रहा है, चार कम्युनिटी पूरा आके 11 कम्युनिटी बनके इसमें हमारा आ जाए। तो इसमें एक चीज और है, हम ये कहने जा रहे हैं कि अभी लोकल पहाड़ में जितना भी नेता लोग प्रेस में आके बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है चार कम्युनिटी पास होगा, पास हो रहा है इस बारी, कोई कहता एक हो गया तो वो उसमें सेटिस्फाई है, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम ये थ्रेटन दे रहे हैं कि जो लोकल पॉलिटिकल कोई भी इस जनजाति का जो मांग लेके कोई भी फाल्टो ना बोले, कोई भी यहाँ पे फाल्टो मांगे, किसी को भी पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए कोई भी उल्टा पुल्टा ना बोले, जो हकीकत है ये पेपर है। आज हम लोगों ने इतना सेंट्रल कमेटी, हम लोग नेशनल कमेटी पूरा काम कर रहे हैं दिल्ली में, किससे मिलना कैसे मिलना, आरजीआई से लेके तो सारे डिपार्टमेंट में जाके सारे पेपर जमा करा के कर रहे हैं, और ये चार कम्युनिटी को भी हम जल्द से जल्द एक पेपर जमा करके जल्द से जल्द मीटिंग करके इसको भी हम दिल्ली में या कलकत्ता में कैसे हो सकता है उस करके हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ में एक और रिपोर्ट दिया है, जो हमारा महासंघ का कम्युनिटी का हमारा एक सेंट्रल कमेटी ने जीटे को भी दोबारा लिखा गया था, जीटे को ये जीटे एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या किया, सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने क्या लिखा है कि भाई इसमें कोई भी हमारा जानकार नहीं है, ये पास हुआ 2014 में ऑलरेडी जीटे ने पास करके भेजा है, और फिर अब ये दोबारा अभी हमने जीटे को एक लेटर लिखा तो जीटे को कुछ पता नहीं, अब यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो हम चाहते हैं कि नहीं ऐसे ना हो, इसको प्रॉपर तरह से काम हो, सब कम्युनिटी को लेके चलना है हमें, हमारा मेन मकसद है। और इसी में हम चाहते हैं हमारा महासचिव के नर्मजी एडवाइजर हैं अभी द एजेंडा ऑफ टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू क्लियर सम डाउट्स व्हिच इज हैपनिंग इन द हिल्स जस्ट नाउ ड्यू टू इलेक्शन फीवर यू कैन से मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर गेटिंग इन्वॉल्व एंड मेनी लीडर्स आर गिविंग बायस्ड रिपोर्ट अबाउट द 11 communities demand for scheduled tribe. So the our central committee we were observing all these things, and for the last 3-4 years the 11 janjatis progress report, you can say kya ho raha hai Delhi mein, was carried on by us, and we have found some details and misconception what reports are happening in the hills now. So our vice president and Andriju has already told you what it is, I don't have to elaborate that anymore. What we want to say is the anthropology report, which is the most important report required for demand for ST status, has been placed by the anthropology department of Government of India to the Home Ministry and the Scheduled Tribe Community Tribe Department. Out. Tum tariko kali gati kare chod karega na 2014 it was reported, and again another report has come from here. 2020 also they have sent a report, but in that report it has been clearly mentioned that two communities which is in the chapter of Sikkim chapter
Thamira Sonwar is in the second chapter. And another two communities also have been excluded, telling them that they are a migrant and there is no physical report about these communities. So the 11 Janjati Mahasangh has objected to this because our demand is for 11 communities altogether, because none of the communities has to be removed from the list. And what we want to tell to these leaders who are presently in the hills, who are looking after our goodwill or whatever you can say, especially our Honorable MP Saab, Raju Bista Saab, that all these rumors which is coming out, have they have any kind of physical or notification, gazetted notification, which has been released by the government of India or by the state, that they are giving this kind of statement? It is not good to say all these things without confirmed reports. This is what we are requesting the Hill leaders not to create confusion by spreading this kind of messages. What we want to tell them is there are proofs here which we can clearly distribute to you, and you can see that there are exclusions of communities which we don't want. So, anything? So, our demand is always for the 11 Janjati which is there. Let there be a fair kind of understanding for both by the state government and also by the Ministry of Home Affairs and the Scheduled Tribe, that our demand should be taken care of. And our president will say something also, so just give him some time. Our national president. National president. सर्वप्रथम मैं आप जितने में हमारे मीडिया दोस्त लोग हैं उन लोग को प्रणाम करता हूँ मेरे 11 जनजाति महासंघ के तरफ से आप लोग को नए साल का बहुत बहुत शुभकामना और मैं क्या बोलना चाहता हूँ जितने भी मेरे टीम मेंबर हैं उन लोग ने आप लोग को बता दिया है तो जनजाति ऐसा एक जाति है हम लोग ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जानता हम लोग स्टेट समझता है स्टेट देखता है हम लोग इनोसेंट पर्सन है इसलिए हम लोग जनजाति है तो हमारे तरफ से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी हम लोग 2014 से जो अभी कलकत्ता का विधानसभा ने हमारे बिल का लिए पास करके जो प्रोसेस में काम किया है उसी काम में कितना हम लोग अभी पॉलिटिकल नेता लोग से भी जुड़ा हुआ है सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ा है हम लोग एक 11 जनजाति महासंघ नॉन पॉलिटिकल विंग है ये राजनीतिक नहीं जानता है ये हम लोग सीधा साधा लोग है हम लोग राजनीति क्या है उसका तरफ नहीं देखता है उसका हम लोग कोई नॉलेज भी नहीं है हम लोग जो अपना ये सोशल डिमांड है हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ये सोशल डिमांड हम लोग का सीधा तरीका से हम लोग फॉलो कर रहा है अभी करते करते क्या हो गया अभी ठीक ही चल रहा था कितना संसद आया कितना गया है कोई झूठ बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है संसद लोग का काम ही है झूठ बोलना और उसका जो जनजाति का जो सीधा सोझा लोग है उन लोग को वोट का बटुलना है वो झूठ बोल के वो जनजाति का घर का वोट बटुलना है उन लोग का काम यहाँ से ज्यादा कुछ भी नहीं है हम लोग के लिए रोड बनाना भी नहीं है पुल बनाने भी नहीं है नौकरी दे वो बोलना भी नहीं है हम लोग को सिर्फ चाहिए एक ही मकसद है हम लोग का 11 जनजाति को जनजाति स्टार्टर चाहिए इसीलिए काम करते करते क्या हो गया अभी हम लोग आराम से काम कर रहा था लेकिन कभी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से मुलाकात होता है कभी हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग में मुलाकात होता है कभी फिजिकली भेंट होता है उसी में हम लोग डिफरेंस टाइप का रिपोर्ट मिल रहा था लेकिन अभी 2020 में हम लोग जिस आदमी के साथ वो भी थे इसको मिलने गया था उनने ये ऑर्डर हम लोग को पकड़ा दिया तो आप लोग का मिस्टर गुरुंग आप लोग का ये रिपोर्ट है आप लोग का 7 कम्युनिटी का हम लोग सर्वे किया है ऑल ओवर इंडिया में आप लोग का देश है वेस्ट बंगाल और मैंने बोला हम लोग का देश है वेस्ट बंगाल बंगाल का देश में 11 जनजाति को 11 जाति को मेंशन किया है गैजेट नोटिफिकेशन आउट किया है इसी का फॉलो कर रहा है मोदी जी ने हम लोग को चिट्ठी भी दे दिया है तो थैंक्स भी दे दिया हम लोग मोदी जी से भी मिला है इसीलिए क्या हो गया ना हम लोग ये चिट्ठी पाने का साथ साथ में इतना कंफ्यूजन हो गया तो उसमें साथ कम्युनिटी को मेंशन किया है सर्वे रिपोर्ट आप लोग का करेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट में आप लोग का जो होना था हम लोग मिल गया है
इसीलिए आप लोग का बंगाल बेस में 7 कम्युनिटी का हम लोग इसको रिकमेंड किया है। ये वायबिलिटी लिस्ट में चला गया आप लोग का, ये इसमें आप लोग का प्रायोरिटी लिस्ट में आप लोग का 7 कम्युनिटी है। तो मैंने पूछा चिट्ठी के माध्यम से, कॉरेस्पॉन्डिंग से मैंने हमारे नेशनल कमेटी का टीम से सलाह मशवरा करके उनको चिट्ठी भेजा है, एक ड्राफ्ट में भेजा, तो 11 कम्युनिटी बंगाल गवर्नमेंट ने अप्रूव करके भेजा था, इसमें 4 कम्युनिटी क्यों आउट हो गया? हम लोग को अगर आउट करना है तो 11 जाति को आउट करो, अगर इंक्लूड करना है तो 11 जाति का करो। एक बंगाल, बंगाल भी एक सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनका चिट्ठी का इतना बेइज्जती क्यों हो रहा है? अगर हम लोग ये 7 जाति मांगने था तो हम लोग 2 जाति को मांग लेते था पहले, गुरुंग राय और मगर, हम लोग का योद्धा है, हम लोग का आर्मी भी है, तो हम लोग को दे दो बोलता था। लेकिन हम लोग के घर में क्या आता है ना, 11 कम्युनिटी तो ऑलरेडी हम लोग का विदाउट ट्राइबल से चल रहा है, इसमें और 6 कम्युनिटी ट्राइबल है, ये सब हम लोग का 16-17 कम्युनिटी हम लोग का फैमिली बन के हम लोग चल रहा है। इसमें हम लोग के घर में क्या होगा, एक झगड़ा का क्रिएट हो गया, जैसे इसमें हम लोग का भोटिया, लेप्चा, शेरपा, तामंग, ए सुब्बा, ये भी हमारा अपने बिरादरी है, हमारे लड़की सुब्बा के घर में शादी किया है, वो तामंग का लड़का हमारे लड़की को ले गया है, भुटिया का हमारे घर में बहू है, तो ऐसे करके हम लोग मिलजुल के चल रहा है। तो हम लोग में इसमें 11 जनजाति में हम लोग को डिस्पोर्ट हो गया, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछने के लिए चिट्ठी भेज दिया। चिट्ठी भेजने के बाद में उन लोग, अभी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है, तो उसमें रिपोर्ट हमने मांगा था, उन्हें बोला था कि आप लोग को बंगाल गवर्नमेंट ने जो रिकमेंड करके भेजा है रिपोर्ट, एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट जो मिला है हम लोग का, उसी को हम लोग मान्यता दे देंगे, उसी का बेस में आप लोग का काम हो रहा है। तो अभी हम लोग को यही है कहने का मतलब, अगर इंडिया गवर्नमेंट दे सके तो 11 जाति का देना चाहिए। ये जो थामी और मुखिया सुनान, ये हमारे कम्युनिटी बंगाल बेस में था, ये किस तरह से सिक्किम में इम्प्लीमेंट हो गया उन लोग को, सिक्किम दूसरा स्टेट है, ये हमारे बेस नहीं है सिक्किम, ये मुखिया और थामी ये हमारे परिवार का लोग है, इसको क्यों वहाँ पर लेके डिवाइड किया है? और जो खास और याखा देवान, ये भी हमारे फैमिली है, इसको ये चिट्ठी में लिखा है, ये कहीं बाहर से आया हुआ है, ये चांद से आया एलियन तो नहीं है, वो ये रिपोर्ट के आधार में हम लोग समझते हैं सीधा सीधी ये एलियन हो गया, ये ऊपर से कहाँ से आया, अभी इसके कोई डिटेल्स नहीं है सरकार के पास में, ये भी गलत है। इसीलिए हम बोलने चाहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो बीजेपी सरकार का, जो मोदी जी ने बोल रहा था 11 जाति का सपना मेरे सपना है, मैं आप लोग को साथ में लेकर साकर करूंगा बोल के, खुद ही मैंने मेमोरेंडम दिया था नौका घाट में, उस दिन मुझे धब्बा लगा के बोला था गुरुंग 11 जात होगा आपको, उनने जो लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस हो गया, गुरुंग को गड़ंग बोल रहा है, राय को रोई बोल के, तभी भी एक एक कम्युनिटी का नाम तो डिस्क्लोज किया है उनने। तो अमित शाह को भी मैंने दार्जिलिंग में पूछा है, दार्जिलिंग में अमित शाह बोला था अरे गुरुंग जी आपको 11 जात के लिए मैंने बोल दिया, आप लोग को होगा, जो जितना पॉलिटिकल लीडर है उन लोग भी 11 जाति के लिए जी जान लगा के हट रहा है, उन लोग भी बोल रहा है 11 जाति का होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग का इलेक्शन का आगे आगे ये हमारे जो लोकल एमपी है, तो मिस्टर राजू बिष्ट जी, वो भी यही बिरादरी में पड़ता है, जो राजू बिष्ट हो या जो भी हो, मिनिस्टर हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या भिखारी हो या राजा हो, ये 11 कम्युनिटी में जो है वो हमारे बिरादरी का है। जैसे राजू बिष्ट जी भी एक खास परिवार का है, वो भी हमारे इसके अंदर आता है। अभी एमपी जी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप ये इनोसेंट जो परिवार है जनजाति, इसको आप हथियार बना के मत खेलिए, आप आज संसद है कल आप बेकारी संसद हो जाएगा, अगर इस बार आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप तो हमी लोग जैसे ही हो जाएगा। अभी 2-4 महीना होगा या 2 दिन हो या सप्ताह दिन हो, आपका दिन अच्छा है, अच्छा दिन में आप लोग अपना परिवार के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा काम कीजिए। लेकिन ए राजू बिष्ट जी को मैं रिक्वेस्ट रखता हूँ, एमपी जी को, ये रिपोर्ट हम लोग को मिला है, ये रिपोर्ट आपका पास होने, इसको हर न्यूज़पेपर में हम लोग का पहाड़ का जितना भी गोरखा लोग है अपना अपना तरीका से बोल रहा है, 11 जाति में 4 जाति होगा, तो किसी को पूछने से गुरुंग को होगा, दूसरा को पूछने से राय होगा,
ऐसे भरवेली बोलने से ऑथेंटिक कोई नहीं होगा। ये पेपर जो बोल रहा है हम लोग को दिल में बहुत दुख हो रहा है। 11 जनजाति को भी डिवाइड कर दिया है, तो ब्रिटिश ने डिवाइडेड रोल तो वो इंडिया में किया था, लेकिन बीजेपी सरकार 11 जाति को अंदर में भी डिवाइडेड रोल खेल रहा है, 11 जाति को अभी कंसोल कर रहा है। तो हम लोग का 11 जाति का अगर वोटर मैंडेट होने से देखने से भी ब्लेमली मैं बोल देता हूँ, हमारे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में 11 जाति का वोटर्स मेंबर 9 लाख एबव है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी विंग का आदमी हो, यही 11 जाति के अंदर का है, यही घर परिवार का आदमी है वहीं पे भी। अगर हम लोग का इतना वोटर्स का मैंडेट है, अगर मैंडेट देखने से अगर बीजेपी सरकार को कुछ लालची आने से इसमें पॉलिटिकल करेगा, तो हम लोग को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी करना है 11 जनजाति को टोटली जो नोटिफिकेशन बंगाल गवर्नमेंट ने आउट किया है उसी को इम्प्लीमेंट करना है। अभी हम मैं बंगाल सरकार के तरफ से बंगाल सरकार को धन्यवाद देता हूँ और उन्हीं को जो आदेश को सिर ऊपर करके हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का तक काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये इनोसेंट पीपल, हम लोग जनजाति है, जंगल में रहने वाला जाति है, हम लोग का अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम लोग अभी ऐसे प्रेस में बोलने का लायक भी नहीं हो रहा है, हम लोग अपना अपना भाषा है, अगर मैं अपना भाषा में बोलूँ तो कोई भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग जोर जबरदस्ती से ये इंडियन जो हमारे नेशनल लैंग्वेज है, इसीलिए हम लोग हमका आपका बोल के भी हिंदी में बोलने के लिए अभी इतना का स्टैंडर्ड में आ गया हूँ हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं अगर बीजेपी सरकार हम लोग का ऊपर कुछ भावना अच्छा रखते हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूँ ये 11 जनजाति जो है इसको ना छूटे। जैसे ये रिपोर्ट में अख्तर अली साहब ने दे दिया है, वो दो जाति बाहर से आया है कहीं से, उसको प्रूफ देना चाहिए। और ये थामी और सुनार किस लिए बंगाल से फिर वो दूसरा स्टेट में चला गया, उसका भी रिपोर्ट चाहिए। अगर ये 7 जात गोष्ठी जो है यहाँ पर प्रायोरिटी लिस्ट में आया है, 7 नहीं 11 होना चाहिए। और इस बार एक संसद का साइड से रिपोर्ट आ रहा है, इस बार ये जब इलेक्शन का आगे आगे जब एक बोल रहा है एक शीतकालीन जैसा एक सभा होगा, एकदम बिल आएगा, उसमें हम लोग राजीव बिस्टा जी ने बार बार बोल रहा है, हम लोग उसका नाम ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि वो भाई भी हमारे अंदर में, अगर हम लोग 11 जाति जनजाति होगा तो हमारे जल्दी जल्दी वो जनजाति हो गए ट्राइबल मिनिस्टर बने, हम लोग आशीर्वाद दे रहा हूँ उन लोग को। लेकिन अगर ये चिट्ठी उसका पास नहीं है तो हम लोग से कंसल्ट करे, तो इस बार जो बजट सेशन में ये बिल 11 जाति को बिल आना चाहिए, तो एक भी नहीं छूटना चाहिए। हम लोग किसी को ऊपर नीचे नहीं करना चाहता हूँ, अगर ये सरकार इस बार हम लोग को जनजाति दे तो मोदी जी ने जो 11 जाति का सपना मेरे सपना बोला था, अभी सपना से बाहर आई है मोदी जी, बाहर आके एक गरीब दुखी जो इनोसेंट पर्सन है इन लोग को सपना को साकार कीजिए। हम लोग को सेंट्रल ट्राइबल चाहिए, स्टेट ट्राइबल नहीं चाहिए, सेंट्रल ट्राइबल में आज मैं डिमांड करता हूँ विथ लैंड राइट ट्राइबल चाहिए हम लोग को। सेंट्रल ट्राइबल ऐसे सिंपल ट्राइबल नहीं लेंगे हम लोग, अगर नहीं होगा तो सारे 11 जाति को कैंसिल करो, तो ऑल ओवर इंडिया में रिजर्वेशन सीट हटाओ, सबको इक्वलिटी चाहिए हम लोग को। तो हम लोग का अगर 11 जनजाति वायबिलिटी है, अगर भारत सरकार देना चाहता है तो लैंड राइट ट्राइबल चाहिए हम लोग को। विदाउट लैंड राइट ट्राइबल का कोई फायदा नहीं है, हम लोग कोई नहीं लेंगे। और संग संग में हम बोलेंगे स्टेट ट्राइबल नहीं चाहिए, जैसे सुब्बा और तामंग को स्टेट ट्राइबल दिया है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं पा रहा है, वो लोग ऐसा ही नाम का ट्राइबल हो गया, वैसा ट्राइबल नहीं चाहिए। उन लोग को भी सेंट्रल ट्राइबल में विथ लैंड राइट ट्राइबल 11 जाति है, वो तामंग और सुब्बा हम लोग चाहते हैं उनको भी इंक्लूड करके 13 जाति को सेंट्रल ट्राइबल चाहिए हम लोग को। तो सुब्बा को भी चाहिए, तामंग को भी चाहिए, वो लोग छूट रहा है। तो अभी हम क्या चाहते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पेपर वाले से जो अपना अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जो समझ के बोल रहा है, भ्रम मत फैलाइए। भ्रम में क्या हो गया, हम लोग का अपना बिरादरी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। अभी ये ऑथेंटिक रिपोर्ट यही है, ये रिपोर्ट का
लिए अगर कोई भी हम लोग से ज्यादा जानकारी जो हो जो काम कर सकते हैं वो आगे आइए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे 11 जनजाति में भी जो अवेलेबल है, जो इस काम को आगे ले जाके इसको खत्म कर सकेंगे, जिसके पास कैपेसिटी है, उनको हम लोग वेलकम करेंगे। ये बात नहीं है कि हम ही लोग। आपका बात समझ गया। हाँ, अभी एक बात पूछते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट का विंटर सेशन ओवर हो गया। हाँ, उसमें आपका मुद्दा नहीं है। हाँ, अभी अगले जो बजट सेशन आज से शुरू हो, हाँ, इसमें भी वो नहीं है आपका। हाँ, डिमांड जो है वो नहीं है। वो नहीं है तो आपने अभी अभी बताया कि आपका अराउंड 9 लाख आपका वोटर है इन एरिया दार्जिलिंग। हाँ, 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 तो अगले इलेक्शन में आपका क्या स्टैंड होगा? क्योंकि 2014 से आप लोगों ने ये डिमांड रखा है। हाँ, अभी तक ये थर्ड इलेक्शन आ रहा है। हाँ, जिसमें आपका डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। हाँ, तो अभी क्या करेंगे आप वही बताइए। आपका जो संगठन है, हाँ, उसके तरफ से क्या स्टैंड होगा, क्या वो बताइए। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है इसका मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर बीजेपी सरकार हो या जो भी हो, सेंट्रल में जो पार्टी का सरकार आएगा उसी सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग को इतना देर से झूला के रखा है, जो सरकार आता है मीठी मीठी बात बोल के हम लोग को ऐसा हवा का मिठाई खिला के हम लोग को टाइम वेस्ट कर रहा है, हम लोग का वो कमिंग जेनरेशन का फ्यूचर डार्क में चला जा रहा है। तो अभी मैं यहाँ से आप लोग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, सभी आदमी बोल रहा है, हमारे सांसद जी भी बोल रहा है, इस बजट सेशन में 11 जाति को हम पास करके लाएंगे, गोरखालैंड भी लाएंगे, चौरास्ता में लाके हम लोग बांट देंगे बोल रहा था। तो मैं उनको बोलता हूँ ऐसे झूठा मत बोलिए, ये शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग करने वाला मैटर नहीं है, ये कागज कलम का मैटर है, हम लोग को गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए। अगर ये सरकार हम लोग को इस बजट सेशन में भी अगर हम लोग का बिल तो नहीं आया, अगर हो सके तो वो हम लोग 11 जाति को या 6 शेड्यूल हो या गोरखालैंड को हो या PPS हो या जो भी हो, हम लोग का समस्या दो ही समस्या है, एक पॉलिटिकल समस्या है, एक सोशल समस्या है। तो इन लोग को हम एक पार्लियामेंट में इस बार हम लोग एक ऑर्डिनेंस ला के रख देंगे, और कमिंग ईयर में हम लोग जब आएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देगा, ये भी बोल सकता है। लेकिन हम लोग अभी कोई एश्योरेंस नहीं मानेंगे, कोई आश्वासन के ऊपर में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर इस बार ये भारत सरकार ने हम लोग को इसमें अनदेखा किया है, अगर हम लोग को डिमांड फुलफिल नहीं किया है, तो हम लोग नेक्स्ट इलेक्शन में जब इलेक्शन आएगा क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग ऑल ओवर इंडिया में एक हम लोग बैठक करके एक समस्या को समाधान के लिए सरकार को हम लोग क्या चैलेंज देना पड़ेगा, उसमें हम लोग उतर आएंगे रोड में। नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में आप लोग क्या पार्टिसिपेट करेंगे या किसी को समर्थन देंगे, ऐसे कोई सोचा? नो, ये नहीं, अगर ये हमारे सीधा बात है, हम लोग जनजाति का कैरेक्टर में बोल रहा हूँ, मैं फिरा के बोलने नहीं जानता हूँ। अगर ये भारत सरकार, अभी बीजेपी सरकार है, ये हम लोग का डिमांड फुलफिल कर दिया, तो हम लोग उसको सिर ऊपर करके उसी को हम लोग जो करना है वो जो बोलेगा वही कर देंगे हम लोग। लेकिन हमारे पहले एक काम करना चाहिए, अगर पॉलिटिकल जो मैटर है उसमें समाधान नहीं निकला तो सोशल डिमांड है, ये 11 जनजाति, ये छूटे हुए जनजाति जो 11 है उसमें और सुब्बा और तामंग को भी इंक्लूड करके सेंट्रल ट्राइबल देने से हम लोग, अभी बीजेपी सरकार हमारे ऊपर इतना मेहरबान होगा तो हम लोग भी उनको ऊपर मेहरबान करेंगे, उनको ऑनर करेंगे, हम लोग पूजा करेंगे। आपका तो बात समझ में आ गया सबको। हाँ, लेकिन आपको जो बोल रहे हैं अभी तो इंटर सेशन खत्म, बजट सेशन में भी आपका बिल नहीं आया, चांसेस भी नहीं है, अभी कोई चांसेस भी नहीं है। हाँ, तो अभी आपका क्या क्या स्टैंड है, अभी अगले जो आने वाला लोकसभा तो अगले 3 महीने में? अच्छा अच्छा, आपका जो बात है ना, इसमें मैं क्या बोला, आपने बोला कि आपका 9 लाख से ऊपर वोटर है। हाँ हाँ हाँ, क्या आपका स्टैंड होगा वही बताइए। वो स्टैंड में क्या बोलूंगा ना मैं, अगर इस बार पार्लियामेंट सेशन में जिस तरह से भी हो, अगर पॉलिटिकल जो संविधान का आदर में जो काम कर सकेंगे, भारत सरकार लेफ्ट राइट जो भी करके हम लोग का ये बिल पास होने से
जिसने हमारे काम करेगा उसी के फेवर में हम जाएंगे। अभी तो बिल पास होने का चांसेस भी नहीं है। नहीं ऐसा है ना, चांसेस तो नहीं है, लेकिन सरकार है ना, कहीं ना कहीं संविधान को घुमा फिरा के इधर उधर से तो कान तो पकड़ सकता है। तो उन लोग के दिल में अगर हम लोग के ऊपर कोई अच्छा विचार है, अच्छा दया माया बरसाना चाहते है तो कर सकते है। भारत में संविधान में क्या नहीं हो सकता है। तो अभी पालन शेष होने से भी अगर टर्म्स दो दिन रहेगा तभी भी सरकार कुछ कर सकता है। तो अगर हम लोग का डिमांड के लिए कुछ कर देंगे तो हम लोग फेवर में जाएंगे, अगर नहीं करेगा तो मान लीजिए नहीं, बीजेपी सरकार नहीं करेगा। एक ऐसे ये हमारा पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये हमारा सोशल इशू है। जनजाति एक घर का एक कम्युनिटी को बिल्डअप करने के लिए, कम्युनिटी ग्रो अप करने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड है उसके पास उतना पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा अभी दार्जिलिंग में देखेंगे रेशियो, हमारा आईएएस आईपीएस एक पॉइंट भी नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि अगर हमारा बच्चे और आईएएस हमारा जो ट्राइबल हम बनेंगे तो हमारा बच्चे ऑब्वियसली आईएएस आईपीएस बनेगा, उसमें ग्रोथ होगा, थोड़ा सोच बदलेंगे। क्योंकि आज पहाड़ का राजनीति एक तरह से फुटबॉल की तरह हुआ, कोई किक मारता उधर मारता, कोई इधर मारता, कम्युनिटी को एक तरह से नीचे का पूरा डैमेज करके रखा। और हमने क्या बोला, अभी पॉलिटिकल इशू बहुत बड़ा है, चलो ना हो गए तो हम अभी रिसेंटली चाहते कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हमारा 11 जाति भी हो जाता है तो इससे क्या होगा कि हमें कोई वो करने के लिए नहीं है, तो हमारे कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगा, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ बच्चे पढ़ के आगे बढ़ गए, उसके साथ साथ में हमारा जो लैंड का जो राइट्स है वो मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमें एक कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो बोल के हम लोगों ने ये शुरुआत किया था। तो हम लोग ये कह रहे हैं भारत सरकार को कि जब और कम्युनिटी को, जैसे कि हिमाचल को, जहाँ पे जो अभी रिसेंटली उनको ट्राइबल स्टेटस मिला, वो कभी ट्राइबल है ही नहीं, हम विरोध नहीं करेंगे, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने क्या पॉलिटिकली वो करके उनको ट्राइबल दिया गया। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में और स्टेट में ट्राइबल हो रहा है। हमारा डिमांड बहुत पुराना है और हम लोगों ने संघर्ष भी बहुत किए हैं और पार्टी के साथ जुड़े हैं, चाहे कुछ भी है, हम लोग सीधा साधा आदमी है। अगर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम रोड पे उतर के लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा क्या है, इसे हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक देश में, एक गांव में, एक अगर स्टेट में हम लोग शांति प्रिय से हम काम कर रहे हैं, एक देश के स्टेट वाले पश्चिम बंगाल सरकार ऑलरेडी विधानसभा में पास करके भेजा है, तो सेंटर में क्यों नहीं कर रहा है, हमारे ये भी क्वेश्चन है। और दूसरी बात यह कि भाई ये एक जायज मांग है, हम कोई बनावटी ट्रैवल नहीं है, हमारा रहन सहन खान पीन सारा इंटरनेशनल, उसमें हम लोग आते हैं कि भाई उन्होंने बोला है। नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, र धेरे धेरे पुरस्कार हरो, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 27 जनवरी, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता मीना भारत शेठ के तपाई हुनुहुन्छ यस पाली को करोड़पति। मेरो नाम चाहिँ तान्या लिम्बू हो र म चाहिँ सिक्किमबाट, र म चाहिँ रेडियोलोजी गर्दैछु यहाँनिर। र मैले चाहिँ आशा प्यारामेडिकल किन चुज गरेँ भन्दा बिकज यहाँनिर चाहिँ मैले धेरै फेसिलिटिजहरू देखेँ अनि गभर्मेन्ट एनसिडिआरटीसँग पनि एफिलेटेड रहेछ, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो चुज गरेको। मेरो नाम मोहम्मद नुरेन अन्सारी है, मैं बिहार से हूँ। मुझे ये कॉलेज क्यों पसंद आया, इसलिए क्योंकि इधर का लर्निंग एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद आया, फैकल्टीज़ का हेल्पफुलनेस मुझे बहुत पसंद आया, और मैं इधर DMLT कोर्स चूज़ किया हूँ क्योंकि ये एक डॉक्टर का बैकबोन की तरह काम करता है। जो भी डिजीज़ वगैरह डिसऑर्डर जो भी बंदे के पास होता है तो उसको चेक करके हम लोग डॉक्टर पर रिपोर्ट